वायरस ने इस बार सारे त्योहारों का मजाक खराब कर दिया है। बावजूद इसके त्योहार तो मनाना ही है, बकरीद का नाम सुनते ही सिर्फ एक ही चीज ख्याल में आता है, वो है बकरा। सबको यही लगता है कि बकरीद के दिन सिर्फ एक ही काम किया जाता है, वो है बकरों को काटने का काम। ये बात सच है कि इस दिन बकरों को काटा जाता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ज्यादातर लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं इस दिन के मायने। कुर्बानी, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब ही कुर्बान करना है, यानी खुदा से जुदा कर देना। एक बार हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे कीमती चीज उनका बेटा इस्माइल था, और क्यों ना हो, हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हजरत इब्राहिम को 3 दिनों तक ख्वाब में दिखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इस ख्वाब की चर्चा उन्होंने अपने परिवार से की तो उनकी पत्नी और उनके बेटे इस्माइल ने उनको कहा कि आप अपने बेटे को कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह की खुशी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। जब सब अल्लाह का है तो उसको देने में हर्ज कैसा। कुर्बानी का वक्त नजदीक आ गया, लेकिन आप ही सोचिए कि एक बाप अपने दिल के टुकड़े को आखिर कैसे मार सकता है। अपने दिल को मजबूत करते हुए हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली, लेकिन अल्लाह भी रहीमो करीम है और वो अपने बंदों के दिल का हाल बखूबी जानता है। जैसे ही हजरत इब्राहिम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, वैसे ही फरिश्तों ने इस्माइल को छुरी के नीचे से हटाकर उसकी जगह मेमने को रख दिया। जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तब अपने बेटे को सही सलामत पाया। अल्लाह उनके इस जज्बे को देखकर बहुत खुश हुआ। तब से हर साल लोग ये सोचकर कुर्बानी करने लगे कि अल्लाह खुश होगा, बकरे की कुर्बानी देते हैं। लेकिन इस त्योहार के दिन जानवरों की कुर्बानी सिर्फ एक प्रतीक है, असल कुर्बानी हर मुस्लिम के लिए दूसरों की मदद करना है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि हजरत इब्राहिम कौन है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह का बंदा माना जाता है, जिनकी इबादत पैगंबर जो अल्लाह के दिए पैगामों को लोगों तक पहुंचाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इस दिन सिर्फ बकरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि इस दिन ऊंट, भेड़, बकरे की कुर्बानी भी दी जाती है, लेकिन लोगों को लगता है कि बकरीद का मतलब ही बकरे की कुर्बानी देना है। कुर्बानी के कुछ नियम हैं, जैसे उन जानवरों की कुर्बानी करना मरहूम या बुरा माना जाता है जो घर में पाल पोस कर बड़ा किया हो। अगर ऊंट हो तो वो 5 साल का हो या 5 साल से ज्यादा को हो, या बकरी या बकरा हो तो वो 1 साल पूरा कर चुका हो और दूसरे साल में लगा हो। अगर भेड़ या भेड़ा हो तो 6 महीने काफी है। एक ज़रूरी बात कि जानवरों में कोई खराबी या जिस्म में कोई ऐब या बुराई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अंधा, लंगड़ा, सींग टूटा हुआ, कान कटा हुआ, बीमार, बूढ़ा, खांसी या कोई भी बीमारी। सुन्नत है कि अगर ऊंट की कुर्बानी करे तो मादा हो, अगर भेड़ या बकरे की करे तो नर हो।